आज हमारे बच्चों को ढंग से किताब लेके नहीं दे सक रहे हम, इतनी तो महंगाई का जमाना आ गया है। बात पे आपने थोड़ा सा ये क्यों नहीं किया कि जैसे 3,000 खटाखट आए, अच्छा तो ये मत दो हमको, स्कूल सुधारो, हमारे लिए किताबें दो बच्चों के लिए। खटाखट हिले दिया है क्योंकि अभी इलेक्शन है। और ये ताजा उदाहरण ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका हाथ फ्रैक्चर उसी रोड के ऊपर। नाम क्या आपका? हेमराज ठाकुर। कौन सा गाँव रहते हैं? बोरगांव। ये रोड के कारण से आपका ये फ्रैक्चर हुआ? हाँ, ये रोड के कारण हुआ ना। अच्छा, अभी हम रोड पर जाएंगे, रोड भी दिखाएंगे हम। ठाकुर सर को जानते हैं? सवाल फिर वही सवाल आपसे रहेगा, भाजपा में थे, उनको क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाने का? क्यों एकाएक छोड़े? लोग भाजपा में जाते हैं पार्टियां छोड़ के, कांग्रेस वाले बीजेपी में, राष्ट्रवादी बीजेपी में, शिवसेना बीजेपी में, और ये जो ठाकुर गुरुजी है ये बीजेपी से आम आदमी में, ये थोड़ा नया लगा। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक पुथेगर। इस वक्त हम खड़े ग्रामीण क्षेत्र में गोरेगांव, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ का आज मार्केट है और ये गांव है बोरगांव। बोरगांव का जो शुक्रवार है ना, आज का शुक्रवार को, हर शुक्रवार को यहाँ का बाजार होता है और यहाँ पर आजू बाजू के गाँव के लोग यहाँ सब्जी भाजी साप्ताहिक रूप में खरीदने के लिए आते हैं। तो हमारा आज मेन मकसद था कि जो आने वाला चुनाव है, अभी जो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अभी तारीख आने वाली थी लेकिन किसी कारणवश तारीख रुक गई और अन्य राज्यों के जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अपना जम्मू कश्मीर की घोषणा हो गई लेकिन महाराष्ट्र की तारीख रोक दिया गया है। तो हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हैं, इनका पहला मुद्दा, हम पहला सवाल ये रखेंगे कि बाकी राज्यों की तारीख मुकर्रर हो गई है लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख क्यों नहीं दी गई? वो तो यह ऊपर वाले लोग बता सकते हैं ना, ऊपर वाले बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे। अच्छा, तो लाडली बहना का पैसा मिला आपके यहाँ? मालूम नहीं मिला क्या? पूछे भी नहीं? मोहल्ले में? मोहल्ले में मिला, मोहल्ले में मिला। हाँ, कुछ कुछ लेट, इसीलिए तारीख लेट की है क्या? बोले पैसा बांटना है पहले, वो नहीं माना। अच्छा, तो ये जो क्षेत्र है आपका गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो पिछले बार के विधायक कौन थे यहाँ के? विधायक तो विजय भाव रांगडल। विजय भाव रांगडल, कितना साल हो गया उनको? गया 10 साल। 10 साल हो गए। कैसे रहे कार्यकाल? खुश है कार्यकाल? ठीक है उनका। अच्छा, तो इस बार भी अगर खड़े होते तो जीतेंगे? बोल नहीं सकते। अच्छा तो और अन्य कौन लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है आपको? नहीं नहीं, राजनीति से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई है ना? अभी यहाँ कुछ पंपलेट देखा लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी के, तो क्या रमेश ठाकुर जी उनकी तैयारी लग रही है आपको चुनाव लड़ने की? रमेश ठाकुर जी उपसरपंच? मालूम नहीं भी है जो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमने बोर्ड देखे और पंपलेट भी देखे, विधानसभा की तैयारी हो रही है उनकी। अगर वो लड़ते हैं, मान लो अगर इनका इंडिया, हाँ इंडिया गठबंधन अगर होता है इनका और दूसरी पार्टी नहीं लड़ेगी और आम आदमी लड़ती है और उधर से रांगडाले जी लड़ते हैं, तो टक्कर कैसी रहेगी? आम आदमी का वोट नहीं है इधर हमारी तरफ, नहीं तो उनको सपोर्ट में रहेंगे ना कांग्रेस बाकी लोग। हाँ तो ठीक है, वजन बढ़ सकता है, वजन बढ़ेगा, टक्कर हो सकती है। बोलेंगे सर थोड़ा सा परिचय बता दो, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यही रहते बोरगांव। बोरगांव बाजार है आज का? तो बोरगांव का विकास भरपूर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। विकास तो हुआ है। अच्छा, जैसे हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, एजुकेशन, स्कूल वगैरह सब टॉप टिप चकाचक? नहीं, स्कूल तो है, मेन चीज रोड की तो समस्या बहुत खराब है। यहाँ से हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर बच्चे जाते हैं तो बस 6 महीने से बंद है। अरे वो तो बड़ी बड़ी समस्या हो गई। और गुंजिया जाने के लिए भी बस बंद है 6 महीने से। तो ये बारिश में भंडा फोड़ होता है, पानी आता है तब? नहीं नहीं, तो गए साल दिवाली में वो विधानसभा के, अपने लोकसभा के इलेक्शन के सामने हमारे विधायक ने वो उद्घाटन कर लिया, विजय रांगडाले ने खोद खाद करके रख दिया, जैसा का वैसा पड़ा है। आप इस तरह आ जाइए। उनके से 10 साल हो गया ना, बहुत अच्छे काम है बोलते, उधर ऊपर मोदी जी का नाम चलता है, डंका बज रहा है मोदी जी का। अभी तो पता चल जाएगा ये इलेक्शन में, रांगडाले जी बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले का सुपड़ा साफ है। काम तो तारीफ हो रही है ना उनकी, तो पता ही चल जाएगा। आपने एक रोड बता दिए है ना, रोड की समस्या है, 4,90,00,000 की स्कीम है। बोलकर तो बच्चे लोग कैसे आना जाना करते हैं? साइकिल से जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, ढकलते हुए जाना पड़ता है, यहाँ से गुंजिया जाने को भी समस्या है, कुरारी जाने को भी समस्या है। पूरा भारत का विकास हो गया बोलते, आपका गांव कैसे पीछे रह गया? नेता लोगों का विकास हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बात है।
बिल्कुल सर, कहाँ से आपका परिचय? हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे अपना गांव है, लोकचंद बिसेन मेरा नाम है जी। और आम आदमी पक्ष से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस रोड की जो समस्या अभी सर ने बताए, 12वें महीने में इसका जब उद्घाटन हुआ और वहाँ जब बोर्ड लगा था 4 करोड़ 90 लाख की स्कीम थी, सेंक्शन भी हो गई, सेंक्शन भी हो गया, 4 करोड़ 90 लाख की स्कीम है। अच्छा, और इसमें रोड में इतना डैमेज काम किया है और विजय रांगडाले ने दूसरे के नाम पे यहाँ का जनप्रतिनिधि रहने के बाद खुद ठेका लेना और दूसरे के नाम पे चलाना ये काम कर रहा है। अच्छा, और आज इसने 10 साल के अंदर में ना गरीबों के बच्चों का ना भवितव्य बनाया, ना विकास किया, ना कुछ किया। ये व्यक्ति आम व्यक्ति का नहीं है, ये सिर्फ राजकारणी फंडा है उसका। और इस व्यक्ति ने दुनिया का किसी का भला नहीं किया, खुद का भला करने के चक्कर में खुद ऊपर जाने की तैयारी किया। 10 साल रहे तो अपने क्षेत्र का तो अच्छा सोचना चाहिए ना, उन्हें विकास सोचना चाहिए ना। सर उसने कुछ भी नहीं किया है। आज कभी वो विकास करता, आज यहाँ किसानों की लूट हुई, गरीबों की लूट हुई, आज किसानों के माल को मतलब रेट नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसने एक बार भी आवाज नहीं उठाया। यहाँ पे अभी जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका मतलब बलात्कार हो रहा है, उस पर आवाज नहीं उठ रही है। और ये दुनियादारी के लिए आवाज उठाते ओबीसी बोल रहे, ओबीसी के मतलब आम जनता का मतलब शोषण करने का प्रयास करते, लेकिन कौन से व्यक्ति का फायदा हुआ इसमें? किसी का फायदा नहीं हो रहा है। इनके जो रोड जो सेंक्शन हुआ है, इनका रोड जी, तो वो पैसा यहाँ नहीं लगाया, नहीं तो रोड बन जाता सर। यहाँ का लाडली बहना में तो नहीं डाल दिया वाला पैसा सर। ऐसा कुछ लगता है कि लाडली बहना के चक्कर में वो 50 खोखे की सरकार जो बनी, इधर से उधर जो हुई है, अजीत पवार हुआ, एकनाथ शिंदे हुआ, और वो 50 खोखे जो आए, 50 खोखे के पैसे जो आए ये जनता को मतलब वाटअप कर रहे। और वो जो एमपी में मतलब लाडली बहना चली, इलेक्शन के बाद में समाप्त हो गया, बंद ही हो गया। 3000 देंगे बोले तो नहीं दे सक रहे, नहीं दे सक रहे, कम दे रहे। आज यहाँ पर 800 करोड़ का कर्ज है हमारे महाराष्ट्र सरकार पे, वो कर्ज फेट करने का वक्त आया तो इनने अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका केस गया था, वहाँ पे भी उनने मतलब याचिका दाखिल कर नहीं पाए उन लोग। अब सेकंड किस्त जो देंगे, एक तो कर्जा है ही पहले का, फंड तो है नहीं लाडली बहना के लिए, तो दूसरी बार के लिए फिर कर्जा लेंगे। ये कर्जा लेकर के काम कर रहे और ये लोगों को गुमराह करना एक इलेक्शन फंडा है। अभी मतलब लोकसभा के चुनाव जो हुए इसमें उनने देख लिए कि हमारी तो अब चलने वाली नहीं है, हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो अब ये लाडली बहना का एजेंडा लाए उनने। ये लाडली इसी पे मैं बोलूंगा आपको, लाडली बहना के लिए जो पैसा इतना लगा रहे हो, 1,60,00,000 ऐसे या कुछ लगभग है, 1.5 करोड़ के लगभग महिलाओं को पैसा दे रहे हैं जी, तो इनको ना देते, लाडली बहना के जो छोटे बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उनके स्कूल का सुधार हो सकता था, एजुकेशन का सुधार पे क्यों नहीं सोचे इनने? सर जिंदगी में नहीं सोच सकते। आज दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार जो है शिक्षा आरोग्य बिजली को फ्री किए, वो कहाँ से भर रहे? आज वो केजरीवाल बोल रहा है कि मेरे को 1,150,000 करोड़ रुपया दे दो, मैं इंडिया को पूरा मैं फ्री कर देता हूँ। बिल्कुल करके भी बताया ना उन्होंने, करके भी दिखाए, उनकी मतलब भारत के अंदर नंबर टॉप में चल रहा है, कर्ज में नहीं है, जीरो में चल रहा है। और आज हमारी इसमें इतना पैसा आने के बाद इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है पैसे में, और फर्स्ट नंबर रहने के बाद यहाँ की सरकार कर्ज में क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की थोड़ी सी आपसे कुछ सवाल कर लेंगे जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे 2 राज्यों में सरकार बना लिया है। ओके सर, और इस बार अभी जो चुनाव है विधानसभा का जी, तो क्या तैयारी, इधर कुछ लड़ा रहे क्या, गठबंधन रहेगा कैसा? सर यहाँ पे गठबंधन नहीं रहेगा, यहाँ पे इंडिया गठबंधन में लोकसभा तक के थे, अभी 288 सीट आम आदमी पार्टी पूरी लड़ा रही है ताकत से, दम से। और यहाँ से आपके क्षेत्र से कोई लड़ रहे क्या आम आदमी से? हाँ सर, रमेश जी ठाकुर। अच्छा, गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, और 3 जगह की जगह अभी मुकरार करने को है। अच्छा, लेकिन यहाँ से भी फाइनल डिसीजन, यानी पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं? पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं। समाज सेवा का कुछ नॉलेज वगैरह है उनको? हाँ नया बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं सर, वो पहले सरपंच रह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राम पंचायत के मेंबर रह चुके हैं, उसके बाद पंचायत समिति लड़े हैं, और अच्छे कार्य है उनके, और भ्रष्टाचारी नहीं है, नंबर टॉप के व्यक्ति है, सुशिक्षित क्लासेस के वो टीचर रह चुके हैं। आप जानते हैं उनको? एक मिनट, ठाकुर सर को जानते हैं? सवाल फिर वही सवाल आपसे रहेगा, भाजपा में थे, उनको क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाने का? अब ये उनका खास मैटर है, ये तो अपने को जानकारी नहीं है। अंदाज़ तो लगाओ।
क्यों एकाएक छोड़े, लोग भाजपा में जाते हैं पार्टियां छोड़ छोड़ के, कांग्रेस वाले बीजेपी में, राष्ट्रवादी बीजेपी में, शिवसेना बीजेपी में, और ये जो ठाकुर गुरुजी है ये बीजेपी से आम आदमी में, ये थोड़ा नया लगा। तो सर को पूछ लेते क्या जरूरत पड़ी उनको पार्टी छोड़ने की। सर पार्टी छोड़ने का एक ही है कि उनका दरी उठाने का काम करेंगे क्या। आज जिस इंसान के मतलब ताकत है, रुबुआ है, उनके रुबुआ की कीमत नहीं हो पाई। और जब उनके मिसेज जब इलेक्शन लड़ने का वक्त आया तो पार्टी ने उनको सहयोग न करते हुए, उनको पार्टी की टिकट न देती हुई, उन्हें स्वतंत्र अपने मिसेज को निकाले। आज यहाँ की जिला परिषद की उनको टिकट जो मिलने वाली थी समय पे उनकी टिकट काटे गई और वो मोरिस और कटरे को टिकट गई। उस समय 1500 वोट से वो हार गया। अच्छा। जो कि 1500 वोट से ठाकुर सर खड़े विनर होने वाले थे, उन लोगों को धोखेदारी हाँ बोल के धोखेदारी दिए। धोखेदारी करने वाले पक्ष के साथ में क्यों रहेंगे, इसके कारण से पार्टी चेंज की उन्होंने। इस कारण को अभी ऐसा लगा होगा कि जो बीजेपी में थे जी, उन्होंने कई लोगों को बोलेंगे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आएंगे, तो ऐसा गुरुजी को कुछ ऐसा लगा क्या, थोड़ा फील तो महसूस नहीं हुआ होगा उनको। बहुत बड़ा फील हुआ सर, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज बोले, उनके साथ में रहने के बाद में कुछ कर नहीं पाया वो, तो गुरुजी को जुमला सहन नहीं होने के कारण से कि ये झूठी सरकार है, सिर्फ ये अपनी मनोफली चलाने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद में ये मतलब तराजू लेकर के जो बैठी है मोदी सरकार, तो ये मोदी के पास में फंडे चल रहे, लोगों को डंडे खिलाना और फंडे खेलना और लोगों को भयभीत करके मतलब इलेक्शन निकालना, ये उसका खेल चल रहा है सर। आपका कुछ लफड़ा था अजीत पवार का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। हाँ सर, है ना, 160 करोड़ का। हाँ, तो उसको बोला जाता था कि ये चक्की पीसेगा। हाँ, फिर वो आपके महाराष्ट्र के तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो घोटाला कहाँ गया फिर उनका। उस समय उनने क्या बोले थे कि चक्की पीसिंग, प्रफुल्ल जी पटेल को बोले थे, अजीत पवार को बोले थे, अजीत पवार पे 160 करोड़ का घोटाला, 70 करोड़ का घोटाला ये प्रफुल्ल पे था। जिन लोगों ने मतलब कुछ दिन के बाद में ईडी के चक्कर में डर के कारण से बीजेपी समर्थक बन गए और उनके साथ में मिल गए, तो आज उनकी चक्की पीसिंग क्या, इनकी खुद की चक्की पीसिंग बन गई। वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा, वॉशिंग मशीन जो मोदी का है उसमें मतलब ये साफ सफाई करके हो गए और साफ करने के बाद में आज उप मुख्यमंत्री बन गया। बिल्कुल। अब सर ये ऐसे गद्दार लोगों को मतलब ये करते, जो नेक नियत से काम करने वाले व्यक्ति को ये मतलब विरोधी समझ करके आज वो उनके काबू में नहीं आ रहा है। एक मतलब योद्धा बनकर के कार्य जो कर रहा है उस व्यक्ति को अंदर करके रखे, लेकिन केजरीवाल साहब कभी डरते नहीं। आज इस दुनिया के अंदर नंबर टॉप में, इंडिया के अंदर नंबर टॉप में मुख्यमंत्री है, उसके जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। मोदी को, अमित शाह को भी डर है उसके नाम से कि ये कभी बाहर निकल गया तो ये हमारे बेहाल करेगा और उसके बाद हमारे को सजा भी करवा सकता है, वक्त आएगा तो। लेकिन आज बोलो कल बोलो सत्य की विजय होगी और केजरीवाल साहब छूट के आएंगे और इनको अंदर करेगा जरूर। 16 लोग है, 16 लोगों को अरेस्ट करेगा। लोकसभा में उनको दिल्ली चुनाव करके उनको जेल में रखें, जेल में रखें, विधानसभा में भी अंदर रखेंगे ऐसा लग रहा है आपको। वो लग रहा है सर, लेकिन वो अंदर रखेंगे तो भी अपनी वहां की पूरी छीटें निकलेगी। हरियाणा की 90 छीटें वो भी पूरी निकल रही है और उसके बाद में महाराष्ट्र में भी 288 छीट पूरी लड़ा रहे और ये यहाँ पे नंबर टॉप में निकल रहे। आज यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी का विरोध दर्शा रहे क्योंकि नया चेहरा, नया मोहरा, नया पक्ष, ये सभी की मांग है और सभी लोग उसी इस पे है। सिर्फ पौवा भर दारू और 100 रुपए की जो कीमत करेगा वही व्यक्ति उसको वोट देगा, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा। ये चलते आ रहा है, भला विकास कुछ भी हो जाए, विकास कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे सवाल कर लेते फटाफट। आपके 10 साल से विधायक है, इस क्षेत्र के विधायक, आमदार बोलते हैं, आमदार कौन है जी? रामलाल। तो उनके काम से खुश है आप? 10 साल हो गए उनको, कुछ नहीं है, मजा नहीं आया आपको? चलो शॉर्टकट में सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा। एक एक सवाल छोटा छोटा फटाफट पूछते निकल रहे हैं। आपके उधर पूछा मैंने, आमदार का नाम पता नहीं है बाबा जी को, कोई आमदार क्या है, इस क्षेत्र के आमदार कौन है? अपना क्या नाम जी? देखो रंगडाले साहब, उनको पूछा रंगडाली जी, विजय भाव रंगडाले। हाँ, विजय भाव रंगडाले, मैं भी भूल गया था। उनके काम से खुश है? हाँ जी, जबरदस्त, कैसे हो, खुश है उनके काम से? नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे गाँव में की बात बोलो, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता।
ना, खुश है लेकिन अपना ये रोड का काम बाकी है थोड़ा सा। जो बच्चे लोग है स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, है ना, जो अभी साइकिल नहीं चला सक रहे वहाँ से, गाड़ी नहीं, चप्पल जूते नहीं पहन सक रहे, ऐसा उन्होंने हमको बताया, उस गांव के नागरिक मिले थे। तो आप खुश है लगता है मेरे को, काम से है ना, आवास योजना मिल गई, अभी तक मिलने पर लेकिन मिलने वाली, लाडली बहना का 3000 आ गया, अभी तक तो भी समय फिर भी खुश है, चलो कोई बात नहीं। दादा जो आमदार है विधायक, उसके काम से संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है, लेकिन एक ही काम से नाराज है कि अभी ये कोरगांव से कुराड़ी तक के रोड बनने को है, साल भर हो गया है, इस बार सुन के दो ना, बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, और 5 साल दो, और 5 साल में नहीं हुआ तो सांसद से भी खुश है आप? पहले तो पटक दिए एक सांसद को आपने, सुनील मंडे जी को तो पटक दिए है ना, तो इस बार क्या ऐसा तो नहीं कि रांगडाले जी को पटक रहे? नहीं नहीं, हो सकता है यानी जनता का मूड पे है, जनता की वजह, जनता जनता जो भी निर्णय दे दे, आप खुश है लगता है, पहले से मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। को आपका जो आमदार है विधायक बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, उसके कामों से खुश है आप? 10 साल के काम खुश है, है ना? और अभी वाले सांसद कितने बार आए आपके यहाँ? अभी सांसद कौन है? ये सांसद कौन है? खासदार, खासदार विजय रांगडाले जी, नहीं जी वो आमदार है, खासदार कौन है? ये पंकज, पहले सुनील मंडे जी थे, अब ये ना, ये पंकज यादव थे ना, नहीं बात आमदार विधायक, विधायक खासदार है ना, सांसद तो पहले सुनील मंडे जी थे, नाम याद है, तो क्या थे वो? वो तो खासदार है ना? हाँ, तो अभी कौन है? अब ये ना, जब भी सही नाम ले लिए थे आपने, पंकज, नया क्षेत्र है ना तो मैं भूल जाता हूँ इधर ना, ऐसा पंकज सही है। अब आपसे भी पूछ लेंगे आखिरी में, जो आपके आमदार है विधायक, 10 साल हो गया उनको, तो इनके जो कामकाज है, विकास कार्य, उससे आप खुश है, संतुष्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो भैया ने बता दिया रोड नहीं बनी, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं। नहीं है ना, नहीं है ना, क्यों नहीं है जी? इसका कारण बताऊं मैं? एक और बताना पड़ेगा, अब मेरे को ये दिल की बात बोलो, बिल्कुल। अरे दिल की बात ही बोल रहे हैं ना जी, जी। मेरे को ये बताओ, इधर से ये जो रोड बन रहा है, कितने दिन हो गए और कितने दिन से बस बंद है, इनको शर्म है कि नहीं है? बच्चों का स्कूल का क्या, बच्चों का स्कूल का क्या है, बच्चे जो डिलीवरी बाई है उसको लेके जाना है, और जो ये सरकार बैठी है, तो प्रतिनिधि है जनता के, ये चुनने के जब वोट मांगने आते हैं, हम क्या बोलते हैं, जनता के लिए आ रहे, सेवा करने आ रहे, उनके पैर पड़ते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। अभी जब किसी डिलीवरी बाई आए, कोई इमरजेंसी केस आया, इमरजेंसी केस आया, तो वो लोग अभी इसमें आते हैं क्या? वो लोग नहीं आते ना, बरोबर नहीं, अब तो मीटिंग है तो मुंबई में, तो दिल्ली में, ऐसी बात रहेगी ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो अभी जब ये जो तो फिर भी जनता जाग क्यों नहीं रही है? जाग क्यों नहीं रही, जनता चुकिया है, वादा जुमले में फिसल जाती है। 15 लाख के नया चेहरा, नया मोहरा लाना, 15 लाख के इसमें घूम जाते हैं, अभी 15,000 मिल रहे हैं, 1500 मिल रहे हैं। मोदी जी ने बोले थे, अब 10 साल हो गए उनके भी, हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी नौकरियां देंगे, तो कहीं भर्ती जॉब पकौड़ा चल रहे जी, ये बेरोजगार है तो फिर है ना, अब हर कोई पकौड़ा तलेगा तो खाएगा कौन जी? क्या है, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, रोजगारी है ना? मोदी जी ने बोला ना, तो जो दे रहा है तो पकौड़ा तलो और खाओ बोलता है, घर में खाओ, नहीं बेचा तो घर में खाओ, सही है, है? अच्छा, अभी लाडली बहना को जो 3000 डाला है, अभी खटाखट खटाखट वाला उनका भाषण सुने हमने, 3000 डाल दिया, अगर वही 3000 बचा के अगर स्कूल को सुधार देता, एजुकेशन सुधार देता, स्वास्थ्य सुधार देता, तो ये अच्छा था कि 3000 खाते में डालना अच्छा रहा? मेरे बात सुनो, ऐसा है, ये अगर स्कूल बनाते तो गरीब के बच्चे पढ़ने जाते, हाँ, है? उनके जो बच्चे है, जो जो बड़े लोग है उनके, हाँ, जो बच्चे है वो बाहर में मस्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ते है, हाँ, और गरीब के बच्चे अगर पढ़ लिख के ना अच्छे बन जाते तो उनके घर में उनके इसमें कब्जे में काम नहीं करने वाले, इसलिए वो क्यों बनाएंगे? वो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको ये नहीं दे रहे और पैसा दे के इनको मोहरा बना रहे, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर की ऐसी गेम है, राजनीति गेम है, इनको
1500 में गेम कर रहे हैं और वो बोलते हैं तुम्हारा स्कूल जाओ चूल्हे में प्राइवेट में पढ़ो और जिसके पास पैसा है वो पहले प्राइवेटीकरण को बढ़ावा, हवाई अड्डा भी प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, सब प्राइवेट। तो भैया सवाल ये था हमारा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गए हैं जी, बोलिए। 10 साल से जो विधायक महोदय है तुम्हारे आमदार, तो इनके काम से आप खुश है क्या? नहीं हम तो खुश नहीं। कितना प्रतिशत खुश है? नहीं हम तो खुश नहीं है। आज की स्थिति में देखो, नाम चल रहा है ना, बड़ी तारीफ हो। आज की स्थिति में देखो, दलितों के लोगों के पीछे भिड़े हैं लोग। आज SC ST OBC जो भी है, इनको जो आरक्षण मिलता है सरकार दे रही है। पहले से ही था ना, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इस दलितों को गुस्सा क्यों? कोई अपने घर से तो नहीं दे रही है, सरकार दे रही है ना। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम जैसे गरीबों के लिए किया है, सबके लिए किया है, एक के लिए नहीं किया है। आज हमारे बच्चों को ढंग से किताब लेके नहीं दे सक रहे हम, इतनी महंगाई का जमाना आ गया है। बात पे आपने थोड़ा सा ये क्यों नहीं किया कि जैसे 3000 खटाखट आए, अच्छा तो ये मत दो हमको, स्कूल सुधारो, हमारे लिए किताबें दो बच्चों के लिए। खटाखट हिले दिया है क्योंकि अभी इलेक्शन है। अच्छा, इलेक्शन के कारण लेडीज वोट देगी तो चलेगा, लेकिन आदमी अगर नहीं भी देगा तो चलेगा? क्या है ये? मेरा यही कहना है, अगर ये हमेशा अगर 3000 रूपए देते रहेगा, अब ये इलेक्शन है करके दे रहा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जैसे बुरी हालत हुई उनकी सीटें नहीं आई जो उम्मीदें थी, है ना, 41 की 17 पे आ गए, तो इस बार भी ऐसे ही उनको डर तो नहीं लगा कि बोले साला इस बार भी गड़बड़ है हमारा, इसलिए 3000? विधानसभा के जो चुनाव में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 80-90 सीट निकाल लिए सो निकाल लिए, नहीं तो यहाँ पे उनकी एक भी सीट निकलने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये इस बार इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है सर? इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। अच्छा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन था, लेकिन विधानसभा में अपने अपने जगह में अपने अपने चीटे लड़ाएंगे। कभी आवाज उठाए तो उनकी ईडी तैयार हो जाएगी, क्योंकि परफुल भी उनके दबाव से में है, अजीत पवार भी दबाव से में है, क्योंकि 160 करोड़ का उसने घोटाला किया अजीत ने, 70 करोड़ का घोटाला इसने किया, तो ये दबाव से में काम करेगा। तिरोड़ा समझ लो भाजपा को रहेगा, भाजपा को रहेगा, हाँ है ना, ये फाइनल रहेगा। बिल्कुल, तो इधर अन्य पार्टियों में भी इधर फिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन लग रहा है आपको? है कोई कांग्रेस और BJP राष्ट्रवादी का उम्मीदवार? पर कौन सा राष्ट्रवादी? दो राष्ट्रवादी है, शरद पवार है। हाँ, शरद पवार गुट से वो गुड्डू बोपचे का नाम चल रहा है। अच्छा, और बीजेपी का और कांग्रेस का अभी गोपनीय चल रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के रमेश जी ठाकुर विधानसभा क्षेत्र तिरोड़ा से, और यहाँ के सभी लोगों ने जो मुद्दा उठाया रोड का, और वो रोड का व्यापारियों के लिए, गांव के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो बस बंद है और वहाँ ना साइकिल चला सक रहे हैं, तो ऐसे कामों पर विधायक महोदय ने ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन के आ गए, 5 साल हो गए और बस वोटिंग वोट मिल गया, फिर से आ गए, वादा किए, जुमला किए, जो भी किए, लोगों को गुमराह किए। उनसे मेरे चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले उस रोड पर ध्यान दिया जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।